अजीत भैया आई गए। अजीत भैया लखौआ के धरती से 101 रुपए का पुरस्कार है। अच्छा अच्छा भैया को लाख लाख धन्यवाद है आप। नौकर तेरे संबंध क्या आ रहा है? जैसे ब्लेज उलेज पहने बड़ा चमकत उमकत बा। मैं तुमसे परेशान रहता हूँ। हम तो उसे हैरान रही थे। अबे वह ब्लेज नहीं है, उनका राजशाही पोशाक है। अच्छा ये बाबू का राजशाही पोशाक है। अपने दरबार में आवतन अपन राजशाही पोशाक पहन कर आते हैं। तब बाबू का हैं। ओ, तेरे समझ नहीं आ रहा। महाराज जी मर्द है, मर्द बाबू मर्द है, मर्द जाते जाते। राजन आज ना तो बहुत बड़ा गलती कर बैठा, उसकी तरह से मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। राजन वह नौकर अभी एक नया है, आप जैसे राजा महाराजा को कभी देखा नहीं है। डर से उसका हाथ और पैर दोनों उठ गया। मैं समझा दूंगा, अंदर ऐसी गलती नहीं करेगा। ठीक है सेनापति, तुम्हारा चालक है, मैं इसकी गलती को माफ कर देता हूँ। नहीं राजन, उसकी पहली गलती है, माफ कीजिए। ठीक है समझाओ। अबे खड़ा हो, अबे खड़ा हो। क्या हो ये बता कमीना, नमस्कार किससे किया जाता है? गए देखे ना बाबू पहले सिंहासन पर बैठा रहे, दौड़ा दौड़ा गए तान से करे। दंड का मतलब ना समझे? दंड क्या होता है? तुरंत तुरंत किया, तुरंत। लेकिन कैसे किया? हम कह बाबू जयराम पाल नमस्ते। ये बता कमीना, है नमस्कार हाथ से किया जाता है या पैर से? हम कह दोनों के लिए खुश हुई है। बहुत मारूंगा। कब है? बेईमान है, तूने आज रात दरबार में बहुत बड़ा गलती कर दिया है। अंदर सी गलती कभी कर रही ना भगवान का बाप, महाराज जी तेरे को जान से खत्म कर देंगे। जान से मार दो तेरी गलती को। है मैं महाराज जी से माफी मांगा। बड़ा बढ़िया करें, बड़ा बढ़िया करें, बड़े बढ़िया करें। चल बढ़िया बैठ गए, चल बैठ बैठ। ये बात है सेनापति। कहिए राजन, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। लेकिन आप बताओ इस समय मंत्री जी कहाँ है? राजन मंत्री जी छुट्टी पर गए हुए हैं। छुट्टी गए है ना? हाँ अभी तक आए नहीं। नहीं राजन अभी उनका छुट्टी पूरा नहीं हुआ है। ठीक है कोई बात नहीं है, सुनिए कहिए। अरे राज का समाचार, अरे सोना पता है। आपके राज में आपकी पर्चा
विश्वास हो या बात आप नौकर से क्या पर्चे के बारे में पूरी जानकारी है? जानकारी है क्योंकि वह भी पर्चा की गांव और नगर में आता जाता है। ठीक है नौकर, ओ नौकर ये बता पर्चे के बारे में कैसे जानकारी है? अरे बाबू कैसे कैसे नहीं है? अरे बाबू इतने बार पूछे गया अपने पर्चे के बारे में। बाबू इतनी बार आपके प्रजा एकदम स्वतंत्र है। बाबू इतनी बार आपके प्रजा एकदम खुशहाल। बाबू इतनी बार आपके प्रजा ले रिफाइंड के पूरी ले पनीर की सब्जी खाए खाए पड़े वगैरह में देखे रहता है। कौन कमी आप कोई कमी नहीं है लेकिन जानता है लोकर यह कौशल सिंह है। का नाम बताए? कौशल सिंह। अच्छा अच्छा ऐसा है हमारे महल में दो महारानी है। हमारे पास दो बच्चे हैं। आपके दो बच्चे हैं? जी हाँ, एक लड़का और एक लड़की। एक लड़का एक लड़की। लड़के के नाम शीतल। लड़के के नाम शीतल और बेटी के नाम वंदना। वंदना बढ़िया बढ़िया। लेकिन इस समय हमारी बेटी अपने मकान में पढ़ाई लिखाई कर रही है। यानी घर में है पढ़ाई लिखाई कर रही है। और बेटा लंदन है। शीतल लंदन गया। मैं इसको लंदन भेज दिया। शीतल भैया लंदन गए हैं पढ़ाई। इस समय मेरा बेटा शीतल लंदन में पढ़ाई कर रहा है। अच्छा शीतल भैया लंदन गए हैं पढ़ाई। लेकिन नौकर सेनापति जिस समय मेरा बेटा लंदन गया उसी समय हमारी पहली रानी खत्म हो गई। अरे हाँ पहली रानी मर गई। हाँ मर गई। अरे हमारे राम अरे। लेकिन मैं बहुत टेंशन में आ गया। हाँ हाँ सीता के जाने के बाद मैं एक दूसरी शादी कर लिया। दूसरी शादी कर लिया जिसका नाम है रामकली। इस समय हमारे महल में है। अच्छा उनका नाम रामकली है अपने महल में है। जी हाँ। अच्छा अच्छा लेकिन बेटा सीता जब से लंदन गया अभी आज तक कोई फूल से नहीं बात कर रहा है। कोई चपाती नहीं आ रही है। चिट्ठी चपाती नहीं वगैरह। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है नौकर। घबरा वाली बतिया तो बात करी बाबू। लेकिन सेनापति मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए राजू क्या कहना चाहता। अरे सेनापति मेरी बात को सुनो लगा कर लंदन से अभी तक कोई पत्र न पुरुष कोई बात नहीं कर रहा है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मैं यह सोच रहा हूं कि नौकर ऐसे सेनापति दोनों में कोई भी जाओ लंदन और बेटे लेके आओ। देखिए राजन, राजन मैं जाने के लिए तो तैयार हूं लेकिन फिर भी मजबूर हूं क्योंकि मंत्री जी है नहीं और मेरे ऊपर बहुत सारा काम है। उधर बॉर्डर की भी कहानी देखना है और इधर घर की भी कहानी देखना है। इसलिए मैं जाने में असमर्थ हूँ। आप नौकर को भेज दीजिए। ठीक है नौकर। ऐसा कर नौकर जाओ महल से पैसा ले लो खाने पीने का नाश्ता बना लो। लंदन जाओ और बेटे मेरे बेटे शीतल भैया शीतल को लेके आओ। ना 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 सही बात है जाते हैं। ठीक है ना कहो जाओ जाइए लंदन लंदन हो लंदन और खाने पीने का व्यवस्था कर लो। बहुत जल्द चल जाओ। हां बनाई बुआ करेला भरवा ले बढ़िया रहे जो तेरी मर्जी कहे। जाते हैं करेला भरवा ले और परेठा उठा बनवा। अरे भाई कोई है? ये आवाज कहां से आ रहा है? पूछी के है पूछो। हे भैया के है हो? मैं एक डाकिया। ना कर। अरे किस
डाकू की हिम्मत है कि महाराज कौशल सिंह के दरबार में प्रवेश करने की? अरे पूछे तो हमके भैया के है कहाँ डाकू है? डाकू ना के तूने सही ढंग से सुना नहीं है, फिर से पूछ ले दोबारा। ना सही सुन पाए। हे भैया के है वो पोस्टमैन। पोस्टमैन का मतलब डाकिया। डाकिया पोस्टमैन हो डाकिया, यानी लेटर देने वाला। लेटर देने वाले हैं, समझा? तू तो कहता डाकू आ गया। वैसे बोले कहन हम डाकू है, तब हमारे घर पर आई गए तो पूछो क्या बात है। हे भैया क्या बात है वो ये बताइए, महाराज कौशल सिंह का मकान यही है क्या? हाँ हाँ बाबू, कौशल सिंह का मकान यही है। तो लीजिए, उनके बेटे शीतल का लंदन से खत आया है। खत आएगी मैं भैया के लंदन से ना। बेटे का? हाँ लंदन से खत आए मैं। ठीक है नौकर, जाँच लेके आई। तू लंदन जाने के लिए तैयार था? हाँ हाँ। और लंदन से खत आ गया, जाँच लेके आ। पहले खत ले आ। बाबू बाबू हम लोग लंदन जाए बजे तैयारी करते हैं शीतल भैया के लंदन से। लंदन 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 शीतल भैया के लंदन से खत आई है। अच्छा हाँ, ये तो बहुत खुशी की बात है। यहाँ सरवा दिखा तो ना। हे मंत्री देखा हमारे आखिर में इतनी बेबहू विवाह फाट की बात पढ़ के सुनाए थे। कम मालूम है अबे बेवकूफ नौकर, आँख में विवाह फटता है कि पैर में फटता है? तब का है दिखात ना। तेरे को रतौनी होता है। हाँ वह बात है, रतिये ना दिखा, दिन में दिखात। ठीक है हाँ पढ़ाए। राजन बाबू ये तो बहुत खुशी की बात है। पढ़ो क्या लिखा हुआ है। ठीक है, इस खत में यही लिखा गया है, पूज्य पिताजी सादर प्रणाम। सही सही, ये भी नौकर है, आशीर्वाद दे रहा है। पूज्य पिताजी सादर प्रणाम। हम यहाँ कुशल पूर्वक से रहकर आशा करते हैं आप भी कुशल पूर्वक से होंगे। ओके सही। पिताजी को मालूम हो कि हमारी पढ़ाई समाप्त हो चुकी है। यानी पूरी हो चुकी है। पूरी हो चुकी है और मैं तारीख 14 को घर वापस आ रहा हूँ। 14 को घर आपका आपका बेटा शीतल प्रणाम पिताजी। देखिए सेनापति 14 तारीख कल है। कल है 14 तारीख। हाँ हाँ राजन, तारीख कल ही है, 14 तारीख कल ही है। ये तो बहुत खुशी की बात है और क्या, कि हम लोग को लंदन जाना भी नहीं पड़ा। हाँ बेटा शीतल आ भी गया। कहना सही कहा, ये तो बहुत खुशी की बात है। सेनापति मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए कहिए राजन। अरे सेनापति आज सब खुशियाँ मनाओ, अरे सेनापति आज सब खुशियाँ मनाओ, we'll be right back.
का बाबू? आज हमारा बेटा जा रहे थे खुशी में है। यह महल बिल्डिंग सजा दो। महल को पूरा सजा दीजिए।